नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बातें करें या फिर चुनाव के बाद जब वो सांसद बन गई तब बातें करें। देखिए, चिराग पासवान के पास युवा सांसद है, चाहे वो राजेश वर्मा हो या फिर सांभवी चौधरी हो। सांभवी चौधरी एक युवा सांसद है, उसके साथ साथ एक सक्रिय मेंबर भी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे प्रचार प्रसार की बातें करें या फिर अब जब सांसद बन गई है तो अपने क्षेत्र की बातों को लेकर जिस तरीके से वो संसद भवन में आवाज उठाती हैं, बातें रखती हैं, उसको लेकर आपको बता दें कि लगातार जब से वो सांसद बनी है तब से वो अपने क्षेत्र के विकास में लग गई हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने एक शिष्टाचार मुलाकात किया है। देखिए, ये मुलाकात काफ़ी अहम माना जा रहा है सांभवी चौधरी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सांभवी चौधरी शेरनी कही जाती हैं, चिराग पासवान की बहन भी कही जाती हैं, आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं और उसकी तस्वीरें वो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करती हैं, साथ ही साथ कैप्शन में भी लिखती हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है सांभवी चौधरी ने। आज राजधानी दिल्ली में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, हम सभी की प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार सरकार के माननीय मंत्री हमारे पिताजी तथा सयन के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बता दूं आपको कि सेवा व संपर्ण के जीवंत प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई हर मुलाकात एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। बिहार से तो उन्हें विशेष लगाव है, मुलाकात के दौरान भी उनसे बिहार की तरक्की व जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से सांभवी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि बिहार से उन्हें खास लगाव है। देखिए, बजट पेश किया गया था, कई उम्मीदें थी कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, हालांकि दिया नहीं गया, एक स्पेशल पैकेज दिया गया और साथ ही साथ बिहार को एक बड़ी सहूलियत भी दी गई। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार की बजट में अगर सबसे ज्यादा किसी को राशि प्राप्त हुए हैं तो वो है बिहार। बिहार को सबसे ज्यादा इस बार पैसे मिले हैं, बिहार पे इस बार खासम खास ध्यान दिया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा हो। क्योंकि हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नालंदा पर खास ध्यान दिया है। कुल मिला के हम आपको यही बताना चाहते हैं किस तरीके से सांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर की सांसद है, काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। कभी वो जन कल्याणकारी योजनाओं को संबोधित करती हैं तो कभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करती हैं और ये जितनी भी मुलाकातें होती हैं वो उनके क्षेत्र के विकास के लिए होती हैं। देखिए किस तरीके से सांभवी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक शिष्टाचार मुलाकात किया, जिसमें उनके पिता अशोक चौधरी भी होते हैं और साथ ही साथ उनके पति सयन कुणाल भी होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।